बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और दही की कढ़ी। उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप सामने देख सकते हैं, हमें चाहिए कुछ बड़े साइज़ में कटे हुए प्याज, कुछ बड़े साइज़ में कटी हुई हरी मिर्च, चॉप जो है वो लहसुन यानी गार्लिक चाहिए, चॉप थी हमें जिंजर चाहिए, अदरक, उसके अलावा कुछ क्यूब्स में कटे हुए पोटैटोज यानी आलू हैं, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च है और कुछ बारीक कटी हुई प्याज। उसके अलावा हमें कुछ और भी ग्रीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो आपके सामने टमाटोज हैं, टमाटर, साबुत हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा मज़ीद प्याज है। उसके अलावा जो खुश्क मसाले चाहिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब बारी है खुश्क मसाला जाती यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, जो हम दही और बेसन की कढ़ी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो जो है आपको मैं बताती हूँ वन बाय वन। मेरे पास हल्दी पाउडर है, सूरत मिर्च पाउडर है, नमक है, साबुत जो है वो धनिया है, साबुत ही ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर है, बड़ी इलायची है, उसके अलावा काली मिर्च है और खुश्की हुई मेथी के पत्ते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला है और थोड़े से कुछ और मिक्स मसाला जाते हैं, जो कि मैं इस्तेमाल करने के दौरान अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ग्रीन इंग्रेडिएंट्स में मैं जो बात कर रही थी कि कुछ बड़े कटे हुए हैं, कुछ बारीक कटे हुए हैं, तो ये जो बड़ी कटी हुई प्याज और बड़ी कटी हुई हरी मिर्च है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे बेसन की कढ़ी का एक लाजमी जो पकौड़ा होता है, पकौड़े के बैटर के लिए। और जो बारीक कटी हुई प्याज और ये बारीक अदरक और लहसुन वगैरह है और मिर्चें हैं, ये बेसन की कढ़ी के अंदर शामिल की जाएगी। उसके बाद जो है अब हम मैं आपको बेसन भी दिखाती हूँ और दही भी दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने बेसन है जिसे चने की दाल का आटा भी कुछ लोग कहते हैं। ये देखिए, एक लीटर के करीब जो है ये फेंटा हुआ दही है। मैंने 1.5 कप के करीब जो बेसन था उसके अंदर वो 1 लीटर दही ऐड करके, दही को पहले अच्छी तरह फेंट लिया था, उसके बाद वो बेसन उसके अंदर ऐड करके इस जो है वो डेंसिटी का बैटर जो है वो तैयार कर लिया। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। फर्दर इसमें हम तकरीबन इतनी मकदार में पानी भी शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल लिया है हमने, कुकिंग ऑयल के अंदर हमने जो है वो अनियन एक दरमियाने साइज़ की ली है, चॉप्ड अदरक है और चॉप्ड लहसुन है, इन सबको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। उसका कलर बदला तो उसके अंदर मैंने जो है वो कटी हुई अदरक और कटा हुआ लहसुन भी शामिल कर दिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और आपको ड्राई मसाले जो मैंने बताए थे, सूरत मिर्च पाउडर था मेरे पास, हल्दी पाउडर था, नमक था, कुछ मेथी थी, बड़ी इलायची थी, थोड़ी सी जो है वो साबुत मिर्च थी काली, और साबुत जीरा और धनिया था, वो मैंने शामिल कर दिया। उसको थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद इसमें मैं टमाटर भी शामिल कर दूँगी। हल्का सा भून गया, इसमें टमाटर भी शामिल करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी टमाटर भी शामिल कर दिया। और अब ये जो है वो बेसन भून चुका है, ये देखिए आपके सामने वो जो बैटर हमने बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा पानी हमने और ऐड किया और उसको इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको पकाते रहेंगे, सबसे पहले तो इसमें उबाल आएंगे, काफ़ी सारे उबाल आने के बाद जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो फिर इसके अंदर जो है वो हम थोड़ी सी कच्ची प्याज और ऐड करेंगे और एक दो मसाले मज़ीद ऐड करेंगे, और जो है फिर पकने के बाद इसको हरी मिर्च और धनिया वगैरह उसके साथ सर्व करेंगे, और उसके साथ जो है वो मैं इन द मीन टाइम जो है वो पकौड़ों का बैटर भी तैयार कर लेती हूँ। और इसमें आप किसी की ड्यूटी लगा दें, क्योंकि इसमें मुसलसल इस स्टेज पे चमचा जो है वो लाते रहना है, इसको अगर आपने स्टेयर करना छोड़ा तो ये जो इसके अंदर बेसन है वो जो है वो नीचे डलना शुरू हो जाएगा, और जो इसका वाटरी कंटेंट है यानी योगर्ट जो दही आपने फेंटा हुआ ऐड किया है वो जो है अलग हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको बॉयल आ जाए और ये सारे उबल के बाहर निकल जाए। तो जब तक इसको बॉयल आता है तब तक आपने इसमें मुसलसल जो है वो इसे स्ट्रेट करते रहना है, चमचा चलाते रहना है। साइड बाई साइड जबकि हमारी जो है वो बेसन की कढ़ी तैयार हो रही है, तो साथ में हम जो है वो पकौड़ों का बैटर भी तैयार करके रख देते हैं, क्योंकि इस बैटर में हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इसे राइस होने के लिए कुछ टाइम भी देना है। तो जब तक कढ़ी तैयार होगी हमारे ये पकौड़े भी रेडी हो जाएंगे। तो आपके सामने मैंने बेसन लिया,
तकरीबन 1.25 कप बेसन है, उसके अंदर आलू के क्यूब हैं, कटी हुई हरी मिर्च है, कटी हुई प्याज है, और अब ड्राई स्पाइसेस जो मैं ऐड करने जा रही हूँ आपके सामने, इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ हल्दी पाउडर, उसके अलावा जो है वो नमक है, आप हसबे ज़ायका शामिल कर सकते हैं, मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा जो है ये गरम मसाला पाउडर है, रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का पाउडर है, और जो है थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं ऐड कर रही हूँ, और हमारे पास जो है यहाँ खुश्क मेथी है जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, 1 चम्मच मैंने वो ऐड की है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है साबुत ज़ीरा, 1/2 चम्मच वो ऐड किया मैंने, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो धनिया है, साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब। अगर आप सोडा यूज़ कर रहे हैं खाने का मीठा सोडा, तो आप जो है वो 1/4 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। मैं चूँकि बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं बेकिंग पाउडर जो है वो 1 चाय के चम्मच के बराबर जो है वो यूज़ करूँगी। ये भी मैंने ऐड कर दिया, तो अब मैं इसको जो है वो मिक्सअप करूँगी पानी के साथ, और मिक्स करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटा, इसको चाहिए होता है राइस होने के लिए। 1/2 घंटे में ये जो है वो बैटर राइस हो जाएगा, तो फिर हम इसको जो है इसके पकौड़े फ्राई कर लेंगे, और वो पकौड़े हमने याद रहे कि कढ़ी में ऐड करने हैं। बेसन की कढ़ी हमारी साइड पर तैयार हो रही है, आइए मैं उसकी भी एक लुक जो है वो आपको दिखा देती हूँ। ये उसकी लुक है, अभी इसमें बॉयल आना शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही बॉयल आना शुरू होंगे इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। इतनी देर तक पकाना है, मुसलसल चमचा ही लाते रहना है जब तक इसमें बॉयल आना जो है वो रुक नहीं जाए, और बबल्स भी आना शुरू हो जाते हैं जो कि इसके पकने की एक निशानी होती है। तो अभी ये पकेगी, ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, ये 1.5 से 2 घंटे आराम से ले लेती है। हाई फ्लेम में हम इसे पका रहे हैं, तो आपने इसको पकाते रहना है। इस स्टेज पे इसकी लुक ऐसी है, तो ये इससे भी ज़्यादा थिक और अच्छी हो जाएगी। कढ़ी जो है वो तैयार हो रही है, और साथ ही हमने ये पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया है, और ये जो है अब इसको हम 1/2 घंटा राइस होने के लिए रखेंगे। ये डेंसिटी ऐसी होनी चाहिए, इतना सख्त होना चाहिए, अगर आप इससे ज़्यादा सख्त रखेंगे तो तब भी आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत हार्ड बनेंगे, और अगर इससे पतला होगा तो तब भी पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। अब इस बैटर को हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके राइस होने के लिए। 1/2 घंटे के बाद जो है हम इसको दोबारा देखेंगे और इसके पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये पकौड़े एक लाजमी हिस्सा हैं दही और बेसन की कढ़ी का। तो बेसन की कढ़ी में अब जो है बॉयल आना शुरू हो गया, मैं चाहती हूँ आप ज़रा उसको देख लें एक नज़र। बेसन की कढ़ी जो है वो हमारी बॉयलिंग स्टेज पर आ चुकी है, और उसमें हल्का हल्का जो है वो बॉयल आ रहा है। अब इस स्टेज पे हमें इसको मुसलसल स्टिर करना है, चमचा चलाते रहना है, और इसको बाहर उबलने नहीं देना है, और जब तक ये बॉयल आएगा तब तक हम जो है वो स्टिर करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं बॉयलिंग जो थी वो ख़त्म हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब तक ये जो है वो बॉयल होता रहेगा आपने इसे मुसलसल स्टिर करते रहना है, चमचा चलाते रहना है, और चमचा चलाते हुए ध्यान रखना है एक तो ये कि नीचे कोई चीज़ नहीं चलनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि इसको बॉयल होके जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, और हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अगर आपको लगे कि आपसे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और बॉयल होके बाहर गिरने के चांसेस हैं, स्पिल हो जाएगा, तो उसको स्पिल होने से बचाने के लिए आप फ्लेम को थोड़ा सा जो है वो लो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लो नहीं करना। अब आप देखिए, अब इस स्टेज पर इसमें बबल आना शुरू हो गए। जब इसमें बबल आना शुरू हो जाए तो शोस के ये जो है तकरीबन पकने के करीब है। तो अब हम ये करेंगे कि इसका फ्लेम लो कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, और अब इस स्टेज पे आपको जो है वो इसमें मुसलसल चमचा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 मिनट के बाद आप इसको चला के चेक कर सकते हैं कि नीचे चला ना हो, और बस काफ़ी है। अब इसका फ्लेम मैं लो कर रही हूँ, मीडियम टू लो, और इसको फिर लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। अभी ये इतनी गाढ़ी है, लेकिन हमें ये मज़ीद गाढ़ी चाहिए, ठीक है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। हमारी बेसन की कढ़ी जो है आप देख सकते हैं कि पक रही है स्टोव पे, और पहले हमने इसको बॉयल किया था, जब तक ये बॉयल हो रही थी हमने इसे हाई फ्लेम पे रखा था, तेज़ आंच पे पकाया था, मुसलसल चमचा चलाते रहे थे। उसके बाद इसमें बबल्स आना शुरू हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बबल्स आना जो है वो निशानी है कि ये अब पकने के करीब है। तो बबल्स आने के बाद हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दिया था,
और हल्की आंच पे इसको जो है वो देखते रहे थे और चमचा चलाते रहे थे। अब इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये अब इतनी थिक हो चुकी है, लेकिन हमें थोड़ी और थिक चाहिए तो हम इसको और भी थिक कर सकते हैं। और ये हर फैमिली की अपनी चॉइस होती है, कुछ फैमिलीज़ में जो है वो इसको पतला पसंद किया जाता है, कुछ फैमिलीज इसको बहुत थिक पसंद करती हैं, कुछ मीडियम थिक पसंद करती हैं, तो ये आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी और थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए रहने देती हूँ, इसको चूल्हे पर छोड़ते हैं। और उसके बाद हम इसके जो है वो पकौड़ों का बैटर भी तकरीबन राइस हो चुका है, फिर हम पकौड़ों का काम शुरू करते हैं। तो हमारी ये बेसन की कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, ये आपके सामने मैंने इसे जो है वो कुकिंग स्पून में डाल के आपको दिखा रही हूँ कि इतनी थिक हमें ये चाहिए। तो ये तकरीबन तैयार है, मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर रही हूँ और उसके बाद जो है पकौड़े फ्राई करने का प्रोसीजर शुरू करती हूँ। तो आधे घंटे से पौना घंटा हमने उसे रखा है और वो राइस हो चुका है। उसके राइस होने के बाद मैंने सिर्फ एक काम ही और किया था, वो ये था कि हरा धनिया जो है ना वो काट के उसके अंदर ऐड कर दिया था। अब आपके सामने है ये बैटर इस तरह का। तो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया और तेल में हम इनको जो है वो यही स्पून जो है एक स्पून भर के जो है मिकदार एक पकौड़े की डालेंगे और फ्राई करते जाएंगे। और ये फ्राइंग हम आपके सामने ही करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको कढ़ी में ऐड कर देंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल को चेक करने के लिए कि वो प्रॉपरली गर्म हुआ है या नहीं, मैंने एक बैटर में से एक आलू निकाल के अंदर डाला था। वो आलू पहले जाके पेंदे में बैठ गया, अब वो ऊपर आ गया है और पकना शुरू हो गया, इट मीन्स कि हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें हम पकौड़े डालते हैं और फ्राई करते हैं। मैं भर के डाल रही और इसी तरह से आप डालते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे आपको खाली स्पेस नज़र आती है वहाँ पर। एक बात का ख्याल रखना है कि आपका बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं हो, ये नहीं उबल पड़ेगा। ऑयल जो है वो उतना गर्म नहीं रहेगा और चीज़ को जिस तरह से गोल्डन ब्राउन होना है वो उस तरह से प्रॉपरली ब्राउन नहीं हो पाएगी। और जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा उन पर कलर आ गया, ये देखिए आपके सामने। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये काम हाई फ्लेम पे होता है, आँच आप तेज़ ही रखेंगे, लेकिन जब आपको लगे कि ये जल रहे हैं, ज़्यादा सुर्ख हो रहे हैं, तो फिर आप आँच को मीडियम कर सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत पकौड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा उन पर कलर आ गया, ये देखिए आपके सामने। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और अब जो है वो कढ़ी की और पकौड़ों की फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने है, पकौड़े हमने फ्राई किए थे और कढ़ी रेडी की थी। तो ये बेसन की कढ़ी और पकौड़ों का जो है वो बोल आपके सामने मैंने सर्व कर दिया है। ऊपर से कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है, कुछ पकौड़े अंदर ऐड कर दिए हैं, कुछ हमने उनसे ऊपर से गार्निश कर दिया है। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी है और टेस्टी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा और फिर फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।